आपने बहुत सारे लोगों को गाड़ी की ख़राब होने पर उसमें धक्का लगाते तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन तब क्या हो जब किसी एरोप्लेन में सफ़र करने वाली सवारियों को ही उससे उतरकर उसे धक्का लगाना पड़े। ऐसा ही कुछ घटना घटी नेपाल के एक एयरपोर्ट पर। यहाँ पर तारा एयरलाइंस कंपनी के एक एयरप्लेन का टायर रनवे पर फट गया, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले और एयरप्लेन्स वहाँ पर ना लैंड कर पा रहे थे और ना वहाँ से टेक ऑफ कर पा रहे थे। इस वजह से इस एयरप्लेन को वहाँ से हटाने के लिए जो एयरपोर्ट का स्टाफ था उसके साथ साथ जो पैसेंजर थे उन्होंने भी उतरकर इस एयरप्लेन में धक्का लगाकर इसको साइड से किया। वैसे गाइस पैसेंजर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें किसी एयरप्लेन में धक्का लगाना पड़ेगा। ये तो आपने भी देखा होगा कि अगर दूर दूर तक कोई ट्रेन ना दिख रही हो तो लोग ट्रेन की पटरी को ऐसे पार करते हैं जैसे कि वो पार्क में टहल रहे हों। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के रेलवे डिपार्टमेंट के नियम के अनुसार आप रेलवे क्रॉसिंग के अलावा कहीं और से अगर पटरी को पार करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 6 महीने की जेल या 1,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि इंडियन रेलवे इस नियम को सख्ती से पालन क्यों नहीं करवाती। अगर ऐसा होने लगे तो कुछ ही दिनों में रेलवे के खजाने भी भर जाएंगे और रेलवे की जेलें भी भर जाएंगी। वैसे तो आप बहुत सारे महंगे महंगे होटल्स में रुके होंगे, लेकिन क्या कभी आप किसी आलू के अंदर रुके हैं? तो दरअसल अमेरिका में एक ऐसा होटल बनाकर तैयार किया गया है जो देखने में हूबहू सेम आलू जैसा है और इसका वजन 6 टन है। अगर लंबाई की बात की जाए तो 24 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा है ये होटल। लग्जरीनेस के मामले में इस आलू के अंदर वो सारी सुविधाएं हैं जो आपको किसी महंगे होटल में मिलती हैं। तो लोग अगर कुछ नया एडवेंचर अनुभव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर रुकते हैं। इसके लिए ये होटल उनसे एक दिन का 18,000 रुपये चार्ज करता है। वैसे गाइस क्या आप भी इस होटल में रुकना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मॉल से कपड़ों की शॉपिंग करने के बाद क्या एक चीज़ कभी आपने भी नोटिस की है कि जब आप मॉल में कपड़े पहनकर देख रहे थे तो आप बहुत ही सुंदर और स्मार्ट लग रहे थे, जबकि घर पर आकर ऐसा नहीं लगता? तो उसका कारण है मॉल्स में लगे हुए शीशे। ये शीशे कुछ खास तरह के होते हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति ज़्यादा स्लिम और स्मार्ट दिखता है। उसके अलावा चेंजिंग रूम में जो शीशे लगाए जाते हैं वहाँ आसपास हल्की पीले कलर की लाइट का यूज़ किया जाता है जिससे कि आपका चेहरा और ज़्यादा ग्लो करने लगता है और आप इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आप बहुत सारे कपड़े खरीद डालते हैं जिससे कि उस मॉल का ज़बरदस्त बेनिफिट हो जाता है। क्या कभी आपने भी ये सोचा है कि मिस यूनिवर्स हमेशा कुंवारी लड़कियाँ ही क्यों चुनी जाती हैं, शादीशुदा क्यों नहीं? तो दरअसल मिस यूनिवर्स के नियमों के अनुसार कुंवारी लड़की ही मिस होती है, शादी के बाद तो वो मिसेज बन जाती है, इसी वजह से वो कुंवारी लड़कियों को चुनते हैं। लेकिन तब क्या हो जब 1 साल के लिए चुनी गई मिस यूनिवर्स चुनने के ठीक बाद शादी कर ले? तो ऐसी स्थिति में उस लड़की को मिस यूनिवर्स का खिताब लौटाना होता है, लेकिन ऐसा कोई भी लड़की नहीं करती क्योंकि मिस यूनिवर्स बनना एक बड़े ही फक्र की बात होती है। शादी का क्या है, शादी तो 1 साल बाद भी हो जाएगी।